प्रशासन और पुलिस की जो टीम है ये उसकी प्रोफेशनलिज्म को दर्शाता है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी तरह की कोई घटना अभी तक रिपोर्ट नहीं की गई है, ये उनके निष्पक्षता का भी प्रमाण है। नमस्कार, मैं हूं अनुपम। लोकसभा चुनाव के लिए 7 चरणों में हुई वोटिंग के बाद काउंटिंग के लिए देश तैयार है। नतीजों पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। देश के साथ ही उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में 81 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं जहां वोटों की गिनती होनी है। सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर कुल 851 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है। ऐसे में काउंटिंग का काउंटडाउन जारी है। सात चरणों के लोकसभा चुनाव के बाद अब काउंटिंग की बारी है। इसी के साथ राज और ताज का फैसला भी हो जाएगा। काउंटिंग को लेकर चुनाव आयोग ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली। यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर वोटों की गिनती कराए जाने को लेकर सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। सभी काउंटिंग सेंटर्स पर अर्धसैनिक और पुलिस के साथ ही पीएसी के जवानों की तैनाती होगी। सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में वोटों की गिनती होगी। समस्त मतगणना और सीलिंग की कार्रवाई सीसीटीवी की निगरानी में की जाएगी। मतगणना स्थल परिसर में मीडिया सेंटर स्थापित किया जा रहा है। सूचना विभाग से एक अधिकारी मीडिया सेंटर के प्रभारी रहेंगे। आरओ द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा समय समय पर छोटे समूहों में मीडिया बंधुओं को मतगणना हॉल का भ्रमण भी कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट के लिए काउंटिंग के पहले रुझान सुबह 8:30 बजे तक मिलने लग जाएंगे। ये रुझान पोस्टल बैलेट के होंगे। दोपहर 12 से 1 बजते बजते पिक्चर करीब करीब साफ होने लगेगी और शाम 5 बजे तक पूरे देश की तस्वीर एकदम क्लियर हो जाएगी। देश में किसकी सरकार बनने जा रही है ये साफ हो जाएगा। लोकसभा चुनाव की काउंटिंग सुबह 8 बजे से शुरू होगी। प्रदेश के 75 जिलों में 81 काउंटिंग सेंटर पर काउंटिंग होनी। आगरा, मेरठ, आजमगढ़, देवरिया, सीतापुर और कुशीनगर जिलों में काउंटिंग 2-2 सेंटर पर होगी। 8 लोकसभा क्षेत्रों की काउंटिंग 3 जिलों में, 37 लोकसभा क्षेत्रों की काउंटिंग 2 जिलों में और 35 लोकसभा क्षेत्रों की काउंटिंग 1 जिले में। उत्तर प्रदेश में 75 जनपदों में कुल 81 मतगणना केंद्र है जहां मतगणना संपन्न होगी। 6 जनपद ऐसे हैं जहां 2-2 मतगणना केंद्र हैं, बाकी सब में 1-1 मतगणना केंद्र है। आगरा, मेरठ, आजमगढ़, देवरिया, सीतापुर, कुशीनगर, 6 जनपदों में 2-2 जगह। 80 लोकसभा क्षेत्रों में 35 लोकसभा क्षेत्रों की मतगणना तो 1 मतगणना केंद्र पे ही हो जाएगी। 37 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिनकी 2 मतगणना केंद्रों में होगी जो 2 अलग अलग जनपदों में स्थित है, और 8 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिनकी मतगणना 3 जनपदों में होगी। 80 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की काउंटिंग 80 रिटर्निंग ऑफिसर और 1581 सहायक रिटर्निंग ऑफिसर पूरा कराएंगे। सभी काउंटिंग और सीलिंग की कार्यवाही सीसीटीवी की निगरानी में की जाएगी। काउंटिंग स्थल की सुरक्षा के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई। पहले स्तर की सुरक्षा काउंटिंग स्थल से 100 मीटर की दूरी पर हो, जहां क्षेत्रीय पुलिस बल तैनात किया गया है। दूसरे स्तर की सुरक्षा काउंटिंग स्थल के गेट पर हो, जहां राज्य पुलिस बल की तैनाती हो। तीसरे स्तर की सुरक्षा काउंटिंग हॉल के लिए हो, जो कि सीएपीएफ की निगरानी में हो। कुल 75 जनपदों में 81 जनपदों जगहों पे मतगणना की व्यवस्था होनी है। कुछ ऐसे जनपद हैं जहां 2-2 काउंटिंग सेंटर है, उसको रखते हुए, उन सभी परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस व्यवस्थाएं की गई हैं। इस संबंध में भारतीय निर्वाचन आयोग के जो भी निर्देश हैं उसके हिसाब से ही फोर्स का व्यवस्थापन किया गया है। फोर्स का व्यवस्थापन त्रिस्तरीय है।
जो इनर मोस्ट घेरा होगा वो जो केंद्रीय सुरक्षा बल प्रदत्त की गई है उसके द्वारा किया जाएगा, मध्यम घेरा पीएसी के द्वारा लैस होगा तथा आउटर मोस्ट जो घेरा होगा वो स्थानीय पुलिस के द्वारा मैन किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक पोस्टल बैलेट की काउंटिंग जिले में आरओ मुख्यालय पर हो, काउंटिंग विधानसभा क्षेत्रवार हो, उसके बाद लोकसभा क्षेत्र में आने वाली विधानसभाओं के रिजल्ट का पूरा योग कर परिणाम घोषित किया जाएगा। गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र में आने वाली साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 1127 मतदेय स्थल होने के कारण सबसे अधिक 41 राउंड में काउंटिंग पूरी होगी। चुनाव आयोग ने काउंटिंग के लिए 179 प्रेक्षक तैनात किए, 15 प्रेक्षक को एक एक विधानसभा क्षेत्र, 104 प्रेक्षक को दो दो विधानसभा क्षेत्र और 60 प्रेक्षकों को तीन तीन विधानसभा क्षेत्र आवंटित किए गए। पोस्टल बैलेट की मतगणना जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसके मुख्यालय पे होगी, उस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो रिटर्निंग ऑफिसर उनके मुख्यालय पे जो मतगणना केंद्र है वहाँ पोस्टल बैलेट की गणना होगी, यानी हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में केवल एक जगह पोस्टल बैलेट होगी। मतगणना विधानसभा क्षेत्रवार होगी, कुल हमारे 403 विधानसभा क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में, तो प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक PRO जिम्मेवार रखे गए हैं जो सेपरेट हॉल में उसकी मतगणना करेंगे उस असेंबली सेगमेंट। हर काउंटिंग सेंटर पर पब्लिक कम्युनिकेशन रूम भी बनाया गया है जहां पर प्रत्याशी और उनके एजेंट जरूरत पड़ने पर मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर उनके फोन सुरक्षित रखे जाने की व्यवस्था की गई, प्रत्याशी उनके एजेंट और काउंटिंग कराने वालों के लिए भी पूरी व्यवस्था की गई। हर काउंटिंग हॉल में एक ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड की व्यवस्था की गई जिसमें प्रत्याशियों के नाम और राउंड वार परिणाम लिखे जाएंगे ताकि सभी काउंटिंग एजेंट उसे देख सके। मीडिया कर्मी और आमजन results.eci.gov.in पर जाकर काउंटिंग के रुझान और परिणाम जान सकते हैं। क्या काउंटिंग हो रही है, सार्वजनिक पब्लिक एड्रेस सिस्टम सार्वजनिक उद्बोधन प्रणाली की भी व्यवस्था की जा रही है जिससे जो मीडिया का कम्युनिकेशन रूम और बाकी जगह बैठे वहाँ बैठे रह के जो प्रत्येक राउंड की रिजल्ट क्या है ऑथेंटिक रिजल्ट उसकी जानकारी हो जाए। इसके अलावा मीडिया कर्मी और आम जन ऑथेंटिक काउंटिंग ट्रेंड्स और रिजल्ट्स के लिए results.eci.gov.in इस पे जाके किसी भी पूरे देश के किसी भी प्रदेश के किसी भी लोकसभा का रिजल्ट जाके और उसका ट्रेंड जाके कौन सा राउंड में कौन आगे पीछे में देख सकते हैं। हर विधानसभा क्षेत्र और लोकसभा क्षेत्र में पब्लिक एड्रेस सिस्टम की भी व्यवस्था की गई। सबसे पहले हर टेबल पर काउंटिंग एजेंट के बैठने की व्यवस्था की गई, सबसे आगे मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दल, उसके बाद रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त दल और उसके बाद निर्दलीय प्रत्याशी के एजेंट बैठे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। काउंटिंग होते ही राज और ताज का फैसला भी हो जाएगा। काउंटिंग को लेकर चुनाव आयोग ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। देश के साथ ही यूपी और उत्तराखंड में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, बाकी सभी गतिविधियों पर तीसरी नजर बनी रहेगी। लोकसभा चुनाव के लिए 7 चरणों में हुई वोटिंग के बाद काउंटिंग के लिए देश तैयार है। देश के साथ ही उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में 81 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं जहां वोटों की गिनती के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जहां सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में कुल 851 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 771 पुरुष और 80 महिलाएं हैं। सबसे ज्यादा 28 प्रत्याशी घोसी लोकसभा क्षेत्र में और सबसे कम 4 प्रत्याशी कैसरगंज में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला होना है। काउंटिंग की तैयारी ऐसी है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता।
काउंटिंग के काउंटडाउन के साथ ही लखनऊ में कैसी तैयारी है, इसका जायजा लिया न्यूज 18 की टीम ने। आपको दिखाएंगे कि आखिर मतगणना के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं। हम इस समय रामाबाई अम्बेडकर स्थल यहां पर मतगणना होनी है लखनऊ लोकसभा सीट की और मोहनलालगंज लोकसभा सीट की। यहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में तैयारियां लगभग पूरी हैं और तमाम जो अफसर हैं वो अंदर मौजूद हैं, बाकायदा वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, दिशा निर्देश दे रहे हैं और ये बॉक्सेज आप देख सकते हैं ये यहां पर रखे हुए हैं। मतगणना कल यानी कि 4 जून को होगी और अलग अलग जो कमरे हैं वो आप देख रहे हैं, बक्सी तालाब जो कि विधानसभा के हिसाब से बक्सी तालाब विधानसभा का अलग बनाया गया है काउंटिंग स्थल, इसके अलावा मलिहाबाद विधानसभा का अलग है। जो भी विधानसभाएं हैं चाहे वो मोहनलालगंज क्षेत्र में आती हों या फिर लखनऊ के क्षेत्र में आती हों, उनकी अलग अलग जो तैयारियां हैं वो की गई हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कुल 56.92% वोटिंग हुई, तो 2019 के 59.11% के आंकड़े से 2.19% कम है। लेकिन अब बारी है नतीजे की, तो इसके लिए प्रदेश के हर जिले में तैयारी चाक चौबंद है। गोरखपुर में तो ईवीएम की निगरानी तक की जा रही है। गोरखपुर में मतदान के बाद अब मतगणना की तैयारियां तेज हो गई हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय में ईवीएम रखी गई है और इसी वाणिज्यिक भवन में यहां पे गिनती होनी है। इसी के साथ एक विधानसभा की दीक्षा भवन में अलग अलग विधानसभाओं की अलग अलग जगहों पे यहां पे गिनती होनी है। प्रशासन ने अपने स्तर से तैयारियाँ पूरी कर रखी हैं। 14 टेबल लगाए गए हैं, करीब 32 से 35 राउंड में ये गिनती होगी। ईवीएम की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी लगाए गए हैं और यहाँ पे जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो चाक चौबंद रहे, इसकी हर तरीके की कोशिश की जा रही है। वहीं समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी लगातार ईवीएम की रखवाली के नाम पे बाहर बैठे हुए हैं और वाणिज्यिक भवन के बाहर आप देखिए कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ बैठ के ईवीएम की रखवाली कर रहे हैं। नेताओं के भाग्य का फैसला होने में बस कुछ देर का इंतजार है। चुनावी नतीजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक भविष्य का निर्धारण करेंगे, जो प्रदेश की वाराणसी लोकसभा सीट से हैट्रिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वाराणसी में मतगणना की तैयारी पूरी कर ली गई है। 1300 जवानों के सुरक्षा घेरे में ये पूरी मतगणना होगी। इस वक्त आप देखिए सुरक्षा का रिहर्सल किया जा रहा है और साथ ही साथ जो मतगणना कर्मी है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, सभी अपने अपने ड्यूटी चार्ज ले रहे हैं। अगर हम मतगणना की बात करें तो करीब 9 बजे तक रुझान आ जाएगा। साथ ही साथ हर विधानसभा के लिए 15-15 टेबल लगाई गई हैं। सुबह 8 बजे से इसी पहाड़िया मंडी में मतगणना होगी और करीब 700 कर्मचारी इस पूरी मतगणना को संपन्न कराएंगे। एक ही हाल में होगी 2 विधानसभा की गणना और खास बात यह है कि पोस्टल बैलेट और सर्विस वोटर के लिए भी क्रमशः 12 और 5 टेबल लगाई गई हैं। उनकी गणना भी साथ में ही शुरू होगी। बढ़ते सियासी तापमान के बीच गर्मी का भी पारा हाई है और भीषण गर्मी के बीच काउंटिंग के लिए आने वाले कर्मियों और एजेंटों के साथ ही अन्य लोगों के भी प्रशासन की ओर से अच्छा खासा इंतजाम किया गया है। आखिरकार वो घड़ी आ गई जिसका सभी को इंतजार था, लोकसभा चुनावों की मतगणना की घड़ी। 4 जून की तारीख आ गई, मतगणना को लेकर व्यापक तैयारियां की गई हैं, सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। इन तस्वीरों में आप देखिए न्यूज 18 की टीम इस वक्त मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय स्थित मतगणना केंद्र पर मौजूद है और यहां पर कितना फुल प्रूफ अरेंजमेंट किया गया है यह आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। चारों तरफ बैरिकेडिंग ही बैरिकेडिंग नजर आती है और हर आने जाने वाले पर निगाह रखी जा रही है। सीसीटीवी से लैस है समूचा मतगणना केंद्र। निश्चित तौर पर बेहद ही कड़े बंदोबस्त किए गए हैं और गर्मी से बचने के लिए भी प्रचंड तैयारियां की गई हैं। प्रचंड गर्मी पड़ रही है लिहाजा कूलर्स की व्यवस्था और पंखों की व्यवस्था अतिरिक्त रूप से की जा रही है। जगह जगह पानी के टैंकर्स भी खड़े हुए नजर आ रहे हैं। 80 लोकसभा सीटों के लिए होने वाली काउंटिंग के लिए अधिकारियों ने मोर्चा संभाल रखा है। यूपी में 81 सेंटर्स पर सुरक्षा व्यवस्था के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। काउंटिंग में किसी भी तरह की गड़बड़ी से बचने के लिए तीसरी आंख की सीधी नजर रहेगी। तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, पुलिसकर्मी यहां तैनात कर दिए गए हैं और जो अलग अलग 5 कुल विधानसभाएं हैं गाजियाबाद में, उन 5 विधानसभाओं के लिए अलग अलग यहां पे रूम बनाए गए हैं। आपको बताना चाहेंगे
तकरीबन 800 कार्मिक हैं जो कि यहां पर कल मतगणना करने वाले हैं। साथ ही तकरीबन 2000 पुलिस कर्मियों की यहां तैनाती की गई है। इतना ही नहीं, सुरक्षा के लिहाज से 90 सीसीटीवी कैमराज भी यहां लगाए गए हैं। आपको बताना चाहेंगे, गाजियाबाद में कुल 5 विधानसभाएं हैं जिनमें धोलाना आंशिक रूप से आती है, जिसको लेकर तमाम तैयारी यहां कर ली गई है। तस्वीरें आपके सामने हैं, अधिकारियों का भी आना जाना यहां पर है, उनसे भी बात कर लेते हैं और किस तरह की यहां तैयारी है। खुद हमारे सामने मौजूद है एडीएम सिटी गंभीर सिंह जी। गंभीर जी, जानना चाहूंगा किस तरह की तैयारी है कल को लेकर, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व मनाया गया था 26 अप्रैल को, और लेकिन कल फैसला आना है। देखिए, लोकतंत्र पर्व का जितना बड़ा उत्सव है, महोत्सव है, उसी तरह से हम लोगों की सारी तैयारी है। और आप देख रहे हो इस बार गाजियाबाद मतगणना के लिए और साल की अपेक्षा सबसे अच्छी तैयारी हम लोगों ने की है। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटों के लिए भी काउंटिंग की पूरी तैयारी है। ईवीएम के मतों की काउंटिंग के लिए 884 टेबल लगाए गए हैं, जबकि डाक मतपत्रों की गिनती के लिए 218 टेबल की व्यवस्था है। प्रदेश की लोकसभा की 5 सीटें टिहरी गढ़वाल, हरिद्वार, अल्मोड़ा और नैनीताल उधम सिंह नगर है। 5 सीटों पर काउंटिंग के लिए आयोग बस काउंटडाउन कर रहा है, जिसके लिए देहरादून में 10 विधानसभा सीटों पे पूरी तैयारी प्रशासन द्वारा की गई। हमारे साथ खुद जिलाधिकारी सोनिका जी हैं। मैम, किस तरह की आप लोगों की तैयारी है, क्या कुछ देखने को? यहाँ पे यहीं पे स्ट्रांग रूम बना था महाराणा स्पोर्ट्स कॉलेज में, और यहीं पे हमारा जो काउंटिंग सेंटर है वो भी यहीं पे है। 10 हमारी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, और जो पोस्टल बैलेट और ईटीबीपीएस की काउंटिंग के लिए हमने यहाँ पे व्यवस्था की है। अभी हमारी जो मतगणना कर्मी है उनकी ट्रेनिंग भी चल रही है नींबूवाला में, और इसके साथ साथ यहाँ सारे ARO उपस्थित हैं और सारी व्यवस्था यहाँ पे देख रहे हैं। तो तैयारी पूरी है, बस इंतजार है काउंटिंग शुरू होने का। इस पर देश की निगाहें हैं और न्यूज 18 की टीम की निगाहें काउंटिंग सेंटर पर है, जहां से आपको हर नतीजे सबसे पहले दिखाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। देश जहां काउंटिंग का इंतजार कर रहा है, वहीं आप तक सटीक नतीजे पहुंचाने के लिए देश की सबसे बड़ी टीम भी तैयार है। न्यूज 18 पर हर नतीजे सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएंगे। सियासी दंगल में सब दलों ने झोंकी ताकत, और अब है परिणाम का दिन, यानी काउंटिंग होनी है, और काउंटिंग के बाद तस्वीर साफ होगी कि आखिर देश की सत्ता किसके हाथों में होनी है। एनडीए अलायंस एग्जिट पोल की जो तस्वीर है उस पर खड़ा उतरेगा, या फिर इंडिया अलायंस जो दावे कर रहा है उसके दावों में कितना दम है, यह चंद घंटों के बाद जब परिणाम सामने आएंगे तो तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी। लाइव रिजल्ट अब इस बार भी पूरी तरह से तैयार है, हर राज्य के नतीजों के साथ आपके पास सबसे पहले ही नतीजे पहुंचाने के लिए कि आखिर अरुणाचल प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में क्या तस्वीर उभरने वाली है। बकायदा लाइव रिजल्ट अब हर राज्य की लोकसभा की सीटों पर कौन आगे चल रहा है। और सबसे सटीक बात यह कि जैसा कि आप जानते हैं, न्यूज 18 जो नतीजे दिखाता है, जो टैली दिखाता है, वो सबसे एक्यूरेट होती है, क्योंकि लगातार पोलिंग सेंटर से जो जानकारियां, काउंटिंग सेंटर से जो जानकारियां हमारे पास पहुंचती हैं, उनको आम दर्शकों तक पहुंचाते हैं। चाहे मतदान के दिन पोलिंग सेंटर पर, चाहे काउंटिंग के दिन काउंटिंग सेंटर पर जो तस्वीर होती है वो हम दर्शकों तक पहुंचाते हैं। इस लाइव रिजल्ट हब के जरिए कल हर परिणाम सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचाने वाले हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर कौन आगे चल रहा है, कहां पर समाजवादी पार्टी बढ़त बना, PVIP सीटों पर क्या तस्वीर है, कौन किसको पीछे, कौन किसको मात देता दिख रहा है।